नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। वक्त तो चला है बिहार फटाफट की खबरों का, तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से। एमएलसी चुनाव के लिए जेडीयू ने की दो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद और रविंद्र सिंह का नाम हुआ शामिल। बक्सर में दामाद के मर्डर का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। फौजी ससुर और साले ने ली जान, दूसरी जाति में हुई थी शादी। लालू यादव के कमरे में लगी आग। पलामू में शॉर्ट सर्किट से जला पंखा, राजद सुप्रीमो सुरक्षित है। संभावित बाढ़ को लेकर के तैयारियों का आदेश। डीएम ने दिया आश्रय स्थल और तटबंध का निरीक्षण करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। पटना से उत्तर बिहार अब दूर नहीं। नितिन गडकरी और नीतीश कुमार ने किया महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन। बिहार में मौसम की मार, पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। 20 जिलों में प्रचंड गर्मी तो 8 में बारिश का अलर्ट। गया के महिला थाने में प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में भरा सिंदूर। पुलिस की मौजूदगी में दोनों की हुई शादी। दोनों के परिजनों को भी बुलाया गया। खगड़िया में दो सगे दिव्यांग भाइयों को नहीं मिला सरकारी लाभ। पिता ने लगाई गुहार, कहा बच्चों की मदद करे। भोजपुर में अवैध संचालित मेडिसिन की दुकान और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ चला अभियान, जांच अभियान जिसमें कई दुकानें बंद दिखाई दी। तो आज के बिहार फटाफट की खबरों में इतना ही। आप बने रहे न्यूज पीआर के साथ। धन्यवाद।